नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीसी टेक। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम ये एम्बोज टेक्स्ट इफेक्ट फोटोशॉप में आसानी से कैसे लिख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आसानी के साथ आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, तो देखते रहिए ये वीडियो। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था एम्बोज टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में, इसको हमें ऐसा बनाने के लिए हमें सबसे पहले फोटोशॉप खोलना है। सारा काम फोटोशॉप में हुआ है, तो फोटोशॉप खोल लेते हैं हम। हाँ, ये अपना फोटोशॉप खुल गया है। ये अपना फोटोशॉप ओपन हो चुका है। इसमें हमें नया डॉक्यूमेंट लेना है, नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इसके लिए अपने फाइल, न्यू, और इसका ये साइज आप, मैंने तो ये लिया है, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। और मैं इसका रेजोल्यूशन रखूँगा 150 और इसको ओके किया। ये अपना जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि एक डार्क कलर चूज करना है। डार्क कलर चूज करने के लिए इस पर क्लिक करिए और यहाँ से डार्क कलर लीजिए। जैसे आप रेड भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो कलर डार्क हो। तो ब्लैक भी, रेड भी, कुछ भी, लेकिन मैं यहाँ पे चूज करूँगा ब्लू। ठीक है दोस्तों, ब्लू मैंने, डार्क ब्लू मैंने सेट कर लिया और इसको मैं करता हूँ ओके। ओके करने के बाद मैं ये जो है ना पेंट बकेट टूल, ये एक टूल है इसमें टूल बॉक्स में, इसको मैं सिलेक्ट करके और यहाँ पे इस पे सब पे अप्लाई कर दूंगा। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अप्लाई हो चुका है। इसमें अप्लाई होने के बाद हमें ये अपना बैकग्राउंड रेडी हो गया है। अब इसमें हमें लिखना है टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखने के लिए आप कीबोर्ड में से टी प्रेस करें या तो फिर ये टूल सेलेक्ट कर लें यहाँ से टूल बॉक्स में से। मैं ये टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ बीचों बीच जो मुझे टेक्स्ट इम्पोज्ड बनाना है वो लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पीसी टैग लिख देता हूँ, पीसी टैग लिख देता हूँ। पीसी टैग लिखने के बाद क्या है कि ये आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने टेक्स्ट तो लिख दिया लेकिन ये कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका ये सॉल्यूशन है कि आप कंट्रोल ए दबाइए तो ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ से कलर इसका चेंज कीजिए और आप इसका कलर कुछ अलग मत लीजिए। इसका कलर आप जो है, जो यहाँ पे जो टिक है, इसको थोड़ा सा लाइट कर दीजिए। जैसे मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा लाइट करना है इसको और ओके कर दें। और अब देख लें कि हमारा, और अपना टेक्स्ट ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। तो ये जो अपना टेक्स्ट साइज है काफ़ी बड़ा है, तो इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। तो इसको वापस क्लिक करके कंट्रोल ए से सेलेक्ट करें और यहाँ से इसको छोटा करें। तो मैं 720 हाँ ये ठीक है, ये साइज परफेक्ट है। इसको बिल्कुल सेंटर में एरो की से मैं सेट कर लेता हूँ। सेंटर में लेके आने के बाद अब इसमें हमें इफेक्ट डालना है। इफेक्ट डालने के लिए वापस, इफेक्ट डालने के लिए आपको लेयर में जाना है। लेयर में जाके लेयर स्टाइल और ये ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके विंडो पे ये खुल जाएगा पॉपअप। अब इसमें आपको क्या करना है, ड्रॉप शेडो पे क्लिक करना है। ड्रॉप शेडो पे क्लिक करने के बाद इसमें ये सेटिंग है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है। जैसे कि
ये मल्टीपल होता है, लेकिन मल्टीपल की जगह इसको नॉर्मल करना है। नॉर्मल किया और यहाँ से इसको कलर को ब्लैक से प्योर वाइट में करना है। प्योर वाइट में करने के बाद ओके करेंगे और इसका जो ये साइज है, साइज को थोड़ा कम कर देंगे। साइज को हम बिल्कुल जीरो कर देंगे साइज को। और जो डिस्टेंस है इसको हम एरो की से कर रहा हूँ मैं। डिस्टेंस को हम टू पे कर देते हैं, क्योंकि ये रेजोल्यूशन के हिसाब से अलग अलग सेट करना पड़ता है। तो मेरे इस रेजोल्यूशन के लिए 200 ये सही है, ठीक है? तो आप अपने रेजोल्यूशन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओपिसिटी, ओपिसिटी हमें कम रखनी है। ओपिसिटी हम 23 कर सकते हैं, चल जाएगी 23, ठीक है? उसके बाद इनर शेडो पे आते हैं। इनर शेडो पे क्लिक किया और यहाँ से ये जो 5 है इसमें इसको ठीक रहने देते हैं, और ये जो 5 है इसको थोड़ा कम करते हैं ताकि ये रियल लगे थोड़ा। तो मैं इसको भी 2 कर देता हूँ, ठीक है? 205। और इसकी ओपेसिटी हमें कम नहीं करनी है, ठीक है? फिर ओके करते हैं और आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं। देखिए ये टेक्स्ट इफेक्ट अपना इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। आप चाहें तो आप इस इमेज को सेव कर सकते हैं क्योंकि रेडी हो चुकी है। अंदर कुछ एडिशनल ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एन से नया लेयर सेलेक्ट करेंगे हम। कंट्रोल शिफ्ट एन से नया लेयर सेलेक्ट कर लिया, इसका नाम आप दे सकते हैं जो भी देना चाहें, लेकिन मैं यहाँ पे ये रखूँगा। और ओके करते हैं, ठीक है? ओके करने के बाद आपको करना ये है कि आपको ये टूल सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको कुछ इस तरह ओवल एक शेप बनानी है बड़ी, ठीक है? जिसमें ये कवर हो जाए पूरे तरह से। ये शेप बनाने के बाद आपको सेलेक्ट में जाना है और फेदर, देखिए फेदर रेजोल्यूशन के हिसाब से देना पड़ता है। तो इस रेजोल्यूशन पे मेरे ख्याल से 100 का फेदर ठीक रहेगा, तो मैं इस पे 100 का फेदर देता हूँ। ये अपना फेदर अप्लाई हो चुका है। फेदर अप्लाई होने के बाद इस पे राइट क्लिक करके सेलेक्ट इन्वर्ट पे क्लिक कीजिए, ठीक है? सेलेक्ट इन्वर्ट होने के बाद ये जो पैंट बकेट टूल है ये लेके, और यहाँ से बिल्कुल ब्लैक, प्योर ब्लैक कलर चूज करके ओके कीजिए और यहाँ क्लिक कीजिए, ठीक है? और अब इसको वापस यही टूल लीजिए और हम इसको डीसेलेक्ट करते हैं, ठीक है? राइट क्लिक और डीसेलेक्ट। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल डार्क डार्क लग रहा है, तो इसको लाइट कीजिए यहाँ से ओपेसिटी में जाके। ओपेसिटी में जाके हम इसको थोड़ा कर सकते हैं डार्क, लाइट जो भी है। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल डार्क हो गया, ये ठीक रहेगा, ठीक है? ये हो गया। ये होने के बाद आपको करना ये है कि आप बैकग्राउंड लेयर पे जाएं। बैकग्राउंड लेयर पे आने के बाद आपको बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करके और आप फिल्टर में जाएं, नॉइस में जाएं और फिर ऐड नॉइस, और आप इसको 1.4 बहुत है, ठीक है? 1.4 रखें और इसको ओके कीजिए, ठीक है? ये हो गया हमारा नॉइस अप्लाई। जूम करके देख सकते हैं आप जो नॉइज दिख रही है ये अप्लाई हो गई है। नॉइज अप्लाई होने के बाद अपनी इमेज बिल्कुल रेडी है। और इसको अब इसको सेव कीजिए, फाइल सेव, और यहाँ से जेपीजी, और यहाँ से इसका नेम दे दीजिए। मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे मतलब आप कुछ भी दीजिए, आई मीन सैम्पल इमेज, और इसको सेव। यहाँ से इसकी क्वालिटी बस 11 रखिए, ना हाई ना बिल्कुल डाउन, ठीक है? ओके, ये आपकी इमेज सेव हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे हमारे आने वाले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए, और अगर कुछ समझ में नया हो आपके तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।